लेकर जिन बच्चों को घर पर रहना चाहिए था, जिन बच्चों को एक गोदी के अंदर पलंग पर सोना चाहिए, आज इन छोटे छोटे बच्चों की क्या कमी है जो आज जंतर मंतर जहाँ धरने पर दर्शन किए जाते हैं, ये बच्चा अपने मन में क्या सोचेगा, माँ की आंखों के अंदर आंसू देखने में नजर आ रहे हैं कि धरने पर दर्शन पे आज ये बच्ची छोटी बच्ची यहाँ आई है। जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है। मैडम आपका नाम? अग्नोत्री जी, आप ये क्यों आई, आपकी यहाँ आने का क्या कारण है? 17 सालों से बेसिक शिक्षा में शिक्षा में 75 थे। 3500 में हम लोगों ने विद्यालय खोले, ताले खोले, झाड़ू लगवाई और पढ़ाया। हरामखोरी हेडों ने, टीचरों ने हरामखोरी करी। हम लोगों ने 17 साल अपनी मेहनत पूरी, जवानी पूरा टाइम, हमारा गोल्डन टाइम जो हम लोगों ने स्कूलों में बर्बाद कर दिया। जब आप 3 साल पहले सपा सरकार ने हमें परमानेंट करके BTC 2 वर्षीय ट्रेनिंग करा के, बाकायदा 17 साल से NCT एडमिशन लेके ट्रेनिंग करा के आज हम लोग सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। भाजपा सरकार जो भी बोली अपने घोषणा पत्र में कि हमें 3 महीने में हम लोगों का बिल्कुल पक्का कर देगी, सही रास्ता देगी, हम लोगों को सम्मान देगी, आज वही सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हम लोग 3 दिन लखनऊ में धरना दे के आए, इस योगी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक भाई वहाँ भी बलिदान हो गया, आज लखनऊ दिल्ली में 3 दिन से भूखे प्यासे सब मर रहे हैं, उसको शर्म नहीं आ रही है। हमारे भाई बहन भूखे प्यासे सड़कों पर फिकर फिकर हो रहा है, हम लोग घर छोड़ के 3 दिन से खड़े। इस सरकार को शर्म नहीं बिल्कुल कि हम लोग का सम्मान वापिस होना चाहिए। आज हम लोग 10,000 में झाड़ू लगाने स्कूल में जाए, सफाई कर्मचारी का 18,000 देता है, क्योंकि 18,000 में 4 दिन में 1 दिन झाड़ू लगा के चली जाती है। आज हम लोग 10,000 में उस स्कूल में मुंह दिखाने जाए, किस उससे अपना मुंह दिखाया जाके उस योगी से पूछो कि हम लोग किस उससे स्कूल वापस जाने, अपना सम्मान चाहिए, अपना पूरा वेतन मान चाहिए। योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी गुंडागर्दी, योगी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। आवाज दो, आवाज दो, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए। अनुपमा जायसवाल जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री बन गए, उन्हें यह तमीज नहीं है कि हमारा 40,000 से 10,000 कर रही है और बोल रही है कि 3,500 से 10,000 हम इनका कर रहे हैं, जो कि बन के बैठ गए, उसको यह शर्म नहीं है। उसके परिवार बच्चे पता नहीं है कि नहीं है। हम लोग के आधी उम्र लोगों की बीत गई, कोई शादी करने जा रहा है, किसी ने मकान बना लिया, शर्म नहीं है। लोन लिया है, लोग घर अपने बसने के लिए घर दिया, 3,500 में गरीबी आ गई थी, पर शिक्षा मित्र को गरीबी आ गई 3,500 में। 10,000 आज कर रहा है, 10,000 तो इसे 17 साल पहले ही करने चाहिए थे। हम लोग 3,500 में करोड़ रुपए का इसने बचाया और लूटा खाया सब। आज हम लोग परमानेंट हो गए तो अनुपमा जायसवाल कह रही है 10,000 कर दिया, इनको बढ़ा दिया। शिक्षा मित्र